नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल सिख वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली प्रधान परमजीत सिंह सरना हरविंदर सिंह सरना ने चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसमें गुरु की गोलक को निजी फायदे या राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की बात कही है। अकाली दल दिल्ली के रकाबगंज दफ्तर में प्रेस को संबोधित करते हुए हरविंदर सिंह सरना और परमजीत सिंह सरना ने कहा, आज कमेटी की हालत ऐसी हो गई है कि स्टाफ को देने लायक पैसा नहीं बचा है। आइए सुनते हैं परमजीत सिंह सरना और हरविंदर सिंह सरना को। जैसा कि आपको मालूम है भाई, पिछले हफ्ते पंजाबी विभाग की मौजूद शख्सियत सरदार इंद्रमोहन सिंह सचदेवा ने वहां पर सारे पदों को छोड़कर श्रोमणी अकाली दल दिल्ली को ज्वाइन किया और उसके बाद गुरुद्वारा सिंह सभा के पैटर्न और पंजाबी विभाग की बहुत मौजूद शख्सियत सरदार प्रतिपाल सिंह जी चावड़ा, सरदार इंद्रमोहन सिंह जी, सरदार सुच्चा सिंह जी, सरदार सरबजीत सिंह जी डिंगड़ा के और नानक ट्रैवल वाले सरदार इंद्रमोहन सिंह जी और यूथ के जो पंजाबी विभाग से और पश्चिम बिहार से संबंधित हैं, वो सब श्रोमणी अकाली दल दिल्ली में शामिल हो रहे हैं। की वजह है भाई, बादल दल से आम संगतों में बड़ी भारी निराशता और उनके मन दुखे हुए हैं उनकी कार्रवाइयों से, इसलिए वो श्रोमणी अकाली दल की तरफ अब सारी दिल्ली में एक लहर बनी हुई है। ऐसी लहर शायद पिछले आधी सदी में किसी के भी हक में इतनी लहर नहीं हुई जितनी लहर इस वक्त श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के हक में जा रही है। दूसरी बात, हमने मैं इन सब शख्सियतों का, सरदार प्रतिपाल सिंह जी चावला का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारी दिल्ली में और खास तौर पे वेस्ट दिल्ली में पंजाबी विभाग में इनका बरादरी के ऊपर बड़ी पकड़ है और श्रोमणी अकाली दल दिल्ली को बहुत मजबूती मिली, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज एक बहुत संगीन जो है दस्तावेज आपके सामने रखे जा रहे हैं, वो दस्तावेजों के बारे में सरदार परमजीत सिंह सरना खुलासा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले तो मैं सरदार प्रतपाल सिंह चावला और उनके सभी साथियों का और गुरु सिंह का तय दिल से इनका स्वागत करता हूँ। ये दिल्ली के सिखों की अपनी पार्टी है, इसमें ये शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी मजबूती मिली है और खाली ये पंजाबी बाग ही नहीं, रजौरी गार्डन और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ इनकी बरादरी के ऊपर बड़ी पकड़ है और ये हमारी और सरदार इंद्रमोहन सिंह से देवे की कोशिशों से नर्म तो पड़े हुए थे, पर इनकी कोशिशों से इन्होंने अकाली दल दिल्ली ज्वाइन किया है। मैं भरपूर स्वागत करता हूँ। जैसे हम पहले कई दफ़ा कह चुके हैं, सबसे पहले ये बात करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ भाई, चाय तारीख जो है वो 6 नवंबर तक बढ़ गया है। वो बढ़ने का कारण ये था कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एलजी से चिट्ठी वापस नहीं आई हुई थी, तो उनको शाम को 5:30 बजे ये चिट्ठी निकालनी पड़ी थी। तकरीबन मैं समझता हूँ कि हमारे 90% मेंबर्स ने और वर्कर्स ने दिन रात करके एक ये काम किया है। 3-4 जगह पे हमें रिपोर्ट ठीक नहीं मिली है, तो चलो उनके लिए हम ये कहते हैं कि वो अपना जो उनको मिला है तो वो कर लें। बाकी मैं समझता हूँ कि 40-42 सीटों के ऊपर हमारा काम 95% से लेकर 99% तक हुआ हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे इलाके में 47% वोट बोगस निकले हैं, 47%, और जो मेरा इलाका चला गया वहां भी 47% वोट बोगस हैं, 46%, और कोई ऐसी जगह नहीं है। सरदार तरसेम सिंह के इलाके में भी 2,500 क्रॉस हुई है, ये बैठे हुए सरदार बलदेव सिंह 2,500 बोगस क्रॉस हुई है। तकरीबन 20-25 हल्के ऐसे हैं जहां 2,500 से ऊपर जो है वोटें बोगस निकली हैं, वोटें नहीं भी बनी हैं, और काफी जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी उससे बहुत ज्यादा उम्मीद से नई वोटें बनी हैं। पर मैं समझता हूं कि ये कोई ना कोई बेईमानी करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने इसके बाद अपने मेंबर समान की मीटिंग रखी है कि वो इसके लिए हमें क्या करना है वो हम बात करेंगे।
पर इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने अब भी बोगस वोटें बनानी है और जब हम कटवाएंगे फिर कहेंगे ये गलत कट रही हैं, वो कट रही है, फिर ये कोर्ट में जाने का प्लान कर रहे हैं। पर ये अब यहाँ जहाँ मर्जी चले जाएं, इलेक्शन तो टाइम से रुकी, पहली बात तो ये है। उसका कारण यह है कि अकाल पुरख भी हमारी मदद कर रहा है, ये इलेक्शन कराने में उसी की मदद हुई है, उसी ने प्रेरा जसवान को भी डेट भी महीना भी आप अनाउंस कर दो। अब ये एक महीने का चिट्ठा है आपके पास, इसमें वो एक महीना जो था वो फतेह दिवस का था, जिसमें पहला सीजगन में जो शबील तोड़ी गई थी उसके लिए टास्क फोर्स मंगवाई थी, जिसका खर्चा 3,20,000 रुपये का था और सेवादार लाख। असंध में एक गुरुद्वारा है, 8,55,000 वहां दिया गया है, कोई वहां इतिहासक गुरुद्वारा नहीं है। पर चांस वो भूपिंदर सिंह असंध मेंबर होता था, उसके वालदैन के भोग के ऊपर मेरे को जाना पड़ा, तो वो भी जगह मैंने देखी हुई है। 4,60,000 रुपया 2 महीने का एयर टिकट का खर्चा है दिल्ली गुरुद्वारा पंथ कमेटी का, जो ब्लू ओशन ट्रेवलर्स को दिया गया चैकर जिंद्रा पैलेस में, और मेरे ख्याल में मोस्ट प्रॉबली वो सेक्शन ढो की होगी ब्लू ओशन। जो है एक एमएलए साहबान श्रीनगर गए हैं, 2,80,000 रुपए उनको दिए गए हैं बसों के लिए। खुलासा करो कि बीजेपी का एमएलए है। चलो नहीं, एक ही गल हुई, आरपी सिंह बीजेपी के एक्स एमएलए हैं, उन्होंने उनको दिया गया 2,80,000। उन्होंने बीजेपी ने मुजहरा रखा हुआ है श्रीनगर में, भाई झंडा फहराना है, रसम झंडा फहराने की बीजेपी कर रहा है, पैसे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे रही है 2,80,000 रुपया। ये कहाँ है जी, ये तो अभी दिया ना जी इन्होंने, 2,80,000 रुपया पेमेंट अप हुई है, ये 9/4/16 को 2,80,000 रुपये की पेमेंट अप हुई है। ये इतना नहीं हमारा डिटेल, हमें तो जो डिटेल है पेमेंट की वो दे दी आपको। पता नहीं कौन सा कंधारी पार्क है बंगला साहब और सीजगंज में 30,000 रुपया महीना उनको दिया जाता है, 13,000 रुपया 15 न्यू सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, यूनिफॉर्म 18,000 रुपया महीना देने का, 18,000 रुपये के इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं जी, उनको 18,000 रुपया तनख्वाह है, यूनिफॉर्म लैदा, पगड़ी लैदा, घर रेजिडेंस लैदा, इतने महंगे सिक्योरिटी गार्ड, मेरे ख्याल दिल्ली में फोर सिक्योरिटी वालों को भी इतनी चुनसी है, फीस नहीं हो गई। सबसे घिनौनी बात यह है भाई, फतेह दिवस पे पीटीसी चैनल को 11,00,000 रुपए की पेमेंट की गई है एक दिन का प्रोग्राम करने की। बादल अकाली दल का कब्जा है, हम पहले भी दिल्ली की सिख संतों को कह रहे थे ये गोलक से पैसा उड़ा के बादल के घर में पहुंचाएंगे, हमारी बात कोई मानता नहीं था। ये 11,00,000 रुपया एक दिन का पीटीसी चैनल को देने का मतलब है ये बादल की जेब में पैसा गया है, और पैसा दिल्ली की संतों का गया है, गुरु की गोलक में से गया है। उसके बाद 5,00,000 रुपया एक करतार सिंह नामी सेवादार है, वो मुकसर में एक छोटा सा गुरुद्वारा उसके लिए लेके गया है, भाई क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बनाना है, हमारा क्या तल्लुक है मुकसर के गुरुद्वारे से, ये तो बादल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब गुरुद्वारे बादल के गांव के गुरुद्वारों की मरम्मत भी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी जो होती है वो करवा रही है। चमन सिंह नाम का एक मेंबर है, अफसोस की बात है उसके लड़के की, उसका मर्डर हो गया, कीर्तपुर साहब वो गए हैं उसके जल प्रवाह करने, 31,283 रुपए दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का खर्चा आया गाड़ियां वहां भेजने का, और 73,763 रुपए उसके भोग के ऊपर टेंट का, लंगर गुरुद्वारा कमेटी का अलग था।
भाई दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी वाले क्या सुख दुख में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के कोष में से पैसा लेके अपना कार्यक्रम करेंगे? कम से कम ये तो एक निमन से निमन आदमी वो भी अपने क्रियाकर्म जब किसी का करता है तो पैसे अपनी जेब में से खर्चता है। ये तो चलो छोटी बात है, मित्तल वाटर सप्लाई को 1,40,000 रुपए का पानी आ गया। बंगला साहब में क्या पानी की जरूरत पड़ी, कैसे आया पानी 1,40,000 रुपए का? 4 लाख रुपया इनकी एक टीचर है जो रंजीत गौर है, वो पैसे लेगी या गुरुद्वारा कमेटी से भी मैं पंजाबी की प्रमोशन करने जा रही हूँ। क्या प्रमोशन करने जा रहे हो, क्यों प्रमोशन करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये पैसा किस लिए खर्च किया, कहाँ खर्च किया, इसका कोई बेरवा नहीं है। पैसा ले गए, प्रधान सत्र ने फैसला किया और पैसा ले गए। 2,78,000 रुपए के बिल कंबोज बस सर्विस को ये दिए गए फतेह मार्च के ऊपर। 3 लाख रुपया डिटेल आपको मैं बता देता हूं। ये ऐसा जी के इन्होंने गुरुद्वारा कमेटी के एक मुलाजिम को कहा भाई तुम बसे गिन, उस हिसाब से हम पैसे देंगे। ये पेमेंट जो है तकरीबन 7 महीने बाद हुई, उसको बिलों से हटा दिया गया। उसने कहा जी 20 बसें कुल आई हैं और ये पौने 3 लाख का बिल कैसे बन रहा है। फिर उसको हटाने के बाद जो 2,78,000 रुपए का बिल का उसका 2,65,000 बना के उसको पैसे देंगे प्रधान की परमिशन से। 3 लाख रुपया एक लोकेश शर्मा आदमी है, उसको मीडिया सेंटर के लिए दिया, शताब्दी सेलिब्रेशन के लिए। एक वो पंजाबी गल आती जी अन्नी पीए ते कुत्ती चटे, अन्नी पींदी पी सी ते कुत्ती चटदी पी सी, कुत्ते कह लो, कुत्तियां ज्यादा लड़ाकी होंगी। पुनीत चंडोक 50,000 रुपया बुकिंग के लिए उसको दिया गया है। ये भी इनके मित्रों में से एक मित्र है, जिन जिन को पैसे की जरूरत पड़ती है वो पैसे इनसे ले लेते हैं। 1,70,000 रुपया दस्ताने बंदा बहादुर का शो कराने में इनका खर्च आया, कहाँ खर्च किया उसका कोई बेरवा नहीं। 4,54,000 रुपए का इक्विपमेंट GHPS कहाँ दिया, खेलों का सामान किस ब्रांच को दिया, कुछ पता नहीं, बिल पड़ गया नाम। 17 लाख रुपया पंजाब टेंट हाउस को पे किया गया, जो कुतुब मीनार में बंदा सिंह बहादुर की वो बनाई गई शताब्दी, 17 लाख रुपए का टेंट। इसमें से इनके कितने हैं ये जाने, या पंजाब टेंट वाला जाने। और वहां पर टास्क फोर्स के लिए 15 लड़कों को 2,70,000 रुपए की पेमेंट हुई है। एक इन्होंने बस की पालकी बनाई है जो गुरु साहब के लिए, 23,19,000 रुपया उस पालकी बनाने में खर्च आया जी, और वो अभी ठीक तरह से बनी भी नहीं है, वापस गई है रिपेयरिंग के लिए। हमने जब ननकाणा साहब की पालकी बनाई थी तो कुल हमारा 8 लाख रुपया लगा था, यहां लगा 23,19,000 रुपया। 8 लाख रुपया ये निहंग सिंहों के घोड़ों का किराया दिया गया है, जो वो बंदा सिंह बहादुर के पंजाबी बाग में वो आए थे, 8 लाख रुपया घोड़ों का किराया। अब जो वहां पर इसके अलावा जो स्टेज बने हैं, 57 लाख रुपया स्टेजों का खर्चा है, जो कुतुब मीनार में बने, पंजाबी बाग में बने, ये कनॉट प्लेस में बने, 57 लाख रुपया स्टेजों का खर्चा है। भाई ऐसे क्या वो स्टेज बने हैं जिनमें 57 लाख रुपए का खाली स्टेज का खर्चा आया है? और वहां पर ये लिखा हुआ है परमार पड़ी पी है सेवादारों की, इन्होंने पहली दफा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने गुंडा अंसर को, मैं तो ये कहूंगा बाउंसर जोन से है, वो शरीफ आदमी नहीं होते हैं, उनको बुलाने की क्या जरूरत पड़ी है गुरुद्वारा कमेटी में? 1 लाख रुपया बाउंसरों की पेमेंट हुई है जी, एक दिन की 1 लाख रुपया। स्टील की प्लेट बनी है बंदा सिंह बहादुर की 5 लाख रुपए की,
और एक मनजीत सिंह का है, एक क्लास फेलो है, उसको पीए बना के रखा है 51,000 रुपए महीने की तनख्वाह के ऊपर। हम आपसे ये जो आपको बता रहे हैं चीजें, इसमें जो आखिरी पेज है वो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया जो फुटकल है, परमिशन फॉर शताब्दी एक्सपेंसेस को 50,000 रुपया 70,000 रुपया 1,00,000 रुपया ये डिटेल सारी आपको दे दी गई है। हम बार बार आपके माध्यम से, सरकारी चिट्ठियों के माध्यम से, बंदा बहादुर का गाना गाने के लिए 2,87,500 रुपए की पेमेंट हुई है जी। 2,87,500 रुपया जो वहां पर मोदी जी के आने के ऊपर वो गाना गाया गया। इतने भारी आज तकरीबन 7 करोड़ रुपए की 8 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की। कहते हैं खाने को पैसा नहीं, लुटाने को सब कुछ है। मुलाजमों की तनख्वाह नहीं, बंसरों के लिए पैसे 20-20 दिन के लिए तनख्वाह नहीं और बंसरों को पैसे दिए जा रहे हैं। इतनी शायद लूटपाट शायद अब्दाली ने भी दिल्ली में नहीं की होगी जितनी लूटपाट इन्होंने गुरुद्वारों में कर दिया। और इस बेदर्दी से पैसे खर्च रहे हैं जैसे किसी के बाप का माल हो, कोई लगा नहीं, कोई तगा नहीं, और वो छोड़ गया और करोड़ों रुपए आराम के जा बिठा जितने खाने खा ले। हैं तो बाप के पैसे पर हराम के नहीं है, लोगों ने 10-10 रुपए 5-5 रुपए मत्था टेका हुआ है। तुम्हारे बाप के पैसे पर ये लुटाने के लिए नहीं है, संतों की सेवा करने के लिए है। 57-57 लाख 60-60 लाख रुपए स्टेज बनाने के लिए नहीं है। जो गुरबाणी में तुक है रख गरीबी वेश, ये इसके उल्ट गए हैं। ना इन्होंने वेश गरीबी रखा है और ऐसी शान शौकत बताने की कोशिश की है भाई जैसे पता नहीं कौन सी इनकी लॉटरी निकली और शायद दोबारा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी इनके हाथ में नहीं आएगी। जितने खर्च करने करो, एक सेकंड जरा रह गया, एक कागज हमने आपको दिया है जो ये डींगे मारते हैं जी। हमने जो मिनॉरिटी का स्टेटस है कॉलेजों का हमने लेके दिया है 20-7-11 का ये कागज आपके साथ आपको दिया गया है। वो आखिरी पेज है जजमेंट का जिसमें लिखा हुआ है भी आपको मिनॉरिटी स्टेटस जो है वो दिया जाता है। ये आप पढ़ लो। आप नहीं हो रहे थे, मैं दसा यार ठीक है। देखो दो बातें हैं, वो एक है कि जो अपना गुरुद्वारा शीशगंज साहब में नानक प्यो में अपना प्यो तोड़ा गया है उसके बारे में ये कहने लगे हमें मालूम नहीं पड़ा। 3 दिन पहले इनके मैनेजर बलवंत सिंह मंदेर ने ये चिट्ठी लिखी है। ये ओरिजिनल कॉपी मैं घर लेके आया हूँ, फोटो कॉपी आपको दे रहा हूँ, दे दिया आपको दे दिया। ये है मतलब गुरु घर में कितना झूठ बोल रहे हैं उसकी बात बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि ये बड़े लेक्चर दे रहे थे पिछले 3-4 महीने से, तो मैंने कहा पहले अखीर में जाके बताऊंगा, पर जब लेक्चर ज्यादा देने लग पड़े तो मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं। ये केस का फैसला जो हमारे कॉलेजों को मिनॉरिटी स्टेटस मिला है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, खालसा कॉलेज, गुरु तेग बहादुर, माता सुंदरी कॉलेज और गुरु नानक देव खालसा कॉलेज करोल बाग, ये सारी मेहनत हमारी थी। हम 2 साल केस लड़े, केस लड़ने पर 19 जुलाई 2012 को ये फैसला हमारे हक में आया। 11 को ये हमारे हक में फैसला आया। और अगर आप में से कोई ज्यादा जानकारी लेना चाहे तो मैं उसकी भी फोटो कॉपी दे दूंगा, क्योंकि केस पड़ा है। ये केस हम हार चुके थे, मैं ये कहने में कोई ग्रेज नहीं करूंगा। हम 3 आदमी रात 10 बजे उस वक्त के लॉ मिनिस्टर के पास गए, भाई ये तुम्हारा फैसला है, हमें फैसले का पता चल गया था। उसने फिर की टेलीफोन, ये क्या कर रहा है भाई,
और फैसला बदल के आखिरी पैरे में जजों ने जो है हमारे दिल्ली कमेटी के हक में ये फैसला दिया भी ये मनाटी स्टेटस है, और आज ये कह रहे हैं जी हमने लेके दिया हमने लेके दिया। उनको एक बात बता दो जो तुमने अचीव की हो, एक, बाकी बातें तो छोड़ दो, आपको हम बातें करते रहेंगे। इतना झूठ और कुफर जो आपके पास रिकॉर्ड पड़े हैं दिल्ली कमेटी में उसके ऊपर भी आप झूठ और कुफर तोड़ रहे हो। ये तो बताया ना इसने 35 लाख रुपए महीने का तनख्वाहें जा रही हैं सरसा के कहने के ऊपर, जो दिल्ली में बठिंडे में मोहाली में और उसका नाम क्या है अमृतसर में खर्च हो रहा है 35 लाख रुपया। आज इन्हीं के आदमी हमें बार बार बता रहे हैं भी ये खर्चा है वो खर्चा है फलाना ये इतनी हो रही है। कोई आपने सवाल पूछना था? एक सेकंड। अच्छा एक 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 लास्ट में आपको बताऊंगा, एक रह गया है। बदरपुर में एक लोकल गुरुद्वारा है, वहां पर 20-25 आदमियों की रोज की आमद है, 500-600 रुपए की गुल्लक निकलती है उसकी महीने की। वहां पर इन्होंने 2014 में ऑर्डर दिया एलाइड बेक इंडस्ट्रीज को, भाई बदरपुर गुरुद्वारे में ऑटोमेटिक चपाती बनाने की मशीन चाहिए जो कि 2000 चपातियां एक घंटे में बनाएगी। एक घंटे की मशीन मेरे ख्याल सारे महीने की चपातियां बना दे तो भी नहीं खत्म होगी। आगे आगे चलिए, इसका चेयरमैन बनाया हुआ है एक जसपाल सिंह नामी आदमी है जो कि मंजीत सिंह का खासम खास आदमी है। जसपाल सिंह की फैक्ट्री है कि नहीं है, कागज है जिसमें लिखा हुआ है अलाइड बेक इंडस्ट्रीज, उसकी 8 लाख रुपए की कोटेशन इन्होंने पास की, भाई तू ये मशीन दे दे 8 लाख रुपए में। 8 लाख रुपए का चेक बन गया 5/5/2014 को, चेक की फोटोकॉपी आपको दी हुई है, ये कागज आपको दिया हुआ है, मशीन आज तक नहीं आई। कहां लगी है? पहली बात तो वहां लगने की जरूरत नहीं है, 15-20 आदमियों के लिए चपाती बनाने की मशीन कहां लगी है? आप बता दें कहां लगी है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं भी हम इनके सारे हम आपके माध्यम से हम ये मांग करते हैं भाई दिल्ली की सरकार या सेंटर की सरकार इनके सारे खातों की ऑडिट कराए, अगर इन्होंने बेईमानी की है तो इनको गुरुद्वारा चुनाव में से बाहर किया जाए, बेईमान आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं जिसमें आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। अब देखना यह है इन आरोपों का जवाब दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी कब और कैसे देती है, मगर असली जवाब और फैसला दिल्ली की सिख संगत आने वाले चुनाव में ही करेगी। यह थी हमारी खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।